ठगी करने वाले युवक को दबोचा और हंगामा। ठगी करने वाले युवक को महिलाओं ने दबोच लिया, जिस पर महिलाओं ने जमकर हंगामा किया। हंगामे से लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई। रामपुर के बिलासपुर गेट स्थित चपटा कॉलोनी की महिलाओं ने आज 100 से लेकर 50 रुपए की ठगी करने वाले युवक को दबोच लिया और जमकर हंगामा किया। बताया जा रहा है कि ये युवक हर व्यक्ति से 100 रुपए लेकर अनुदान के रूप में सऊदी में रजिस्ट्रेशन कराने की बात बताकर 20,000 रुपए मिलने की बात कह रहा था, जिसका पता कुछ राजनीतिक लोगों को चल गया, जिसका पता लगते ही वह सब भी वहां पहुंच गए और उसको घेर लिया। जानकारी ली तो पता चला कि वह सीधी सादी महिलाओं को गुमराह करके ठगी कर रहा है, जिस पर किसान नेता नजराना बेगम ने बताया कि बवाल हो रहा है। ये कौन सी पार्टी से हैं? वो मैं नजराना बेगम, जिला अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति से हूँ। मास्टर सुराज सिंह से जुड़ी हूँ और ईसान मोहम्मद ईसान से भी जुड़ी हूँ और मैं जिले की अध्यक्ष हूँ। दूसरा मेरा पद ये है कि मैं समाजवादी की बहुत खास आदमी हूँ, उत्तर प्रदेश महासचिव। दूसरी बात ये कि मुझे ये पता चला कि यहाँ पर एक आदमी आता है फहीम नाम का, जो चुंगी पे रहता है, बिलासपुर गेट आगे चुंगी पे। वो आके यहाँ से सब गरीबों से 100-100 रुपए लेकर जा रहा है। किस लिए लेकर जा रहा है? कि सऊदी अरब में कोई सलमान है, वो अनुदान करते हैं उनके लिए, रजिस्ट्रेशन करने के लिए, रजिस्ट्री करने के लिए 100-100 रुपए सब गरीबों से ले रहा है। कोई खाता नंबर नहीं। हम ये गरीब किसको जानते हैं? कौन सलमान है? कौन इनको 20,000 रुपए देगा? उनके 20,000 रुपए के नाम पे ये 100-100, 200-200 रुपए, किसी से 300 रुपए लिए इन्होंने, किसी से 500 रुपए लिए इन्होंने। ये मजलूम जो रोटी नहीं खा सकते, कहाँ से पैसे लिए इन्होंने? इन ये चपटा कॉलोनी है, चपटा कॉलोनी से लिए हैं। कल भी शिकायत गई थी, मेरे कुछ अधिकारी गुड्डू पठान है, नरगिस है, तरन्नुम है मेरे साथ। ये लोग कल यहाँ आए थे मेरे अधिकारी, उन्होंने कुछ इसको बंद कर दिया था। इसको ये नहीं मालूम, इन्होंने कल बहुत बदतमीजी करी कहीं मेरे अधिकारी। दूसरी बात ये, आज मैं अगर हमारे काम में बाधा डालोगे तो मैं आपके आजम खान से मेरा बहुत करीबी मामला है, उन्होंने मुझे भेजा है। मैं आजम खान की पार्टी से बहुत करीब हूँ, उनके साथ रहता हूँ। मुझे मेरे अधिकारियों ने बताया कि मैडम आजम खान के पास मंत्री भी करें, उस आदमी का बहुत करीबी अधिकार है, मैंने तो उससे पूछो आई कार्ड है, कोई रजिस्ट्रेशन नंबर होगा उससे पूछो और उससे मालूम करो कि आजम खान के आदमियों को किस किस को जानता है, खर्च करता है। आप करोगे से आपको दे रहा है वो सलमान, मैं गांव में जाऊंगा मुलाकात। मैं प्लीज 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 मैं वहीं आ रहा हूँ। आपका कोई नंबर है? ये गलत।